जेनेलिया डिसूजा के 8 बार पैर पड़े थे रितेश देशमुख ने। आखिर क्या थी वजह और क्यों पड़े थे रितेश देशमुख ने 8 बार पैर, आइए आपको बताते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज केशवी एंड वेलकम टू आवर चैनल। जी हाँ, बॉलीवुड के सबसे क्यूट, सबसे प्यारा और सबसे मशहूर कपल जो है रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा का, फैंस इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं और आए दिन इनकी वीडियोस, फोटोज सोशल मीडिया पर तहलका मचा देती है। तो अब हाल ही में दोनों एज ए स्पेशल गेस्ट नज़र आए थे सुपर डांसर 4 में, जो कि पूरी थीम थी वहाँ की, वो शादी पर बेस्ड थी। तो वहीं पर जेनेलिया डिसूजा को याद आ गया कि रितेश देशमुख ने उनके भी पैर पड़े थे शादी में, और वो भी 1 बार नहीं बल्कि 8 बार। दरअसल आपको बता दें, सबसे फेमस शादियों में से एक शादी थी बॉलीवुड की, और दोनों की शादी थी और काफ़ी टाइम तक चर्चाओं में बनी हुई थी इन दोनों की शादी। पूरा महाराष्ट्रियन रिचुअल्स के थ्रू इनकी शादी हुई थी और उसी के चलते जो एक कल्चर था जिसमें 8 बार पैर पड़ने होते हैं पत्नी के, तो उसी में रितेश देशमुख ने भी पत्नी के पैर पड़े थे। और इस पर मज़ा के अंदाज में रितेश देशमुख ने भी कहा कि शायद पंडित जी को भी पता था कि शादी के बाद मुझे क्या करना है, इसलिए वो पहले से प्रैक्टिस करवा रहे थे। तो काफ़ी मजाकिया अंदाज में उन्होंने ये बोला, जो कि फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और आपको बता दें, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है और शो में उन्होंने कहा कि उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं पर इतना बड़ा इशू क्रिएट नहीं होता है, और सबसे पहले सॉरी बोलने के लिए रितेश देशमुख ही बोल देते हैं। दरअसल उन्होंने ये भी कहा था कि रितेश देशमुख का नाम सॉरी देशमुख होना चाहिए, ना कि रितेश देशमुख, क्योंकि वो हर बार छोटी छोटी बात पर भी सॉरी बोल देते हैं। तो उन दोनों में काफ़ी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है, काफ़ी अच्छा बॉन्ड है। खैर, आपको क्या लगता है इन दोनों क्यूट से कपल के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और बॉलीवुड की तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।